वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान हमेशा साजिश रचता रहा है। घाटी के युवाओं को बरगलाने में लगा रहता है और सोचता है कि युवाओं को तोड़ा जाए और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में जरूरी है कि घाटी के लोगों के बीच सेना के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए और ये बताया जाए कि सेना आपकी रक्षा के लिए है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सोच को चैलेंज करते हुए सेना के अधिकारी दरगाह पर पहुंचे। सेना के चिन्नार कोर के प्रमुख जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने रविवार को हजरत वल दरगाह पहुंचकर दुआ मांगी। दरगाह के सामने शीश झुकाकर उन्होंने घाटी में अमन बहाली के लिए दुआ की। उसके बाद उन्होंने वहां मौजूद नागरिकों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। पांडे के अचानक दरगाह पर पहुंचने से लोग भी हैरान थे। अच्छी बात यह थी कि किसी में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि कश्मीर के लोग अब समझने लगे हैं कि सेना स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय के साथ काम कर रही है। लोगों में विश्वास बहाली का यही परिणाम है कि सेना को कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में अब काफी मदद भी मिल रही है। दरअसल सेना कश्मीर में आतंक पर प्रहार की नई रणनीति के तहत काम कर रही है। वो नीति है जनता से बेहतर संवाद और समन्वय। सेना की इस नीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब किसी मुखबिर की जरूरत नहीं पड़ रही, आम लोग ही आतंकियों की गतिविधियों की सूचना सुरक्षा बलों को दे रहे हैं। सेना का पूरा जोर है कि अवाम में विश्वास रहे कि सुरक्षा बल किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, बस वो सिर्फ दहशतगर्दों और देश विरोधियों के खिलाफ है, क्योंकि आतंकी संगठन लोगों को मजहब के नाम पर ही गुमराह करते हैं। इसी कड़ी में रविवार को जीओसी डीपी पांडे हजरत वल दरगाह पर पहुंचे और शीश नवाया, लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना। सेना की इस रणनीति का असर यह है कि आतंकियों में अब खौफ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में टेंशन, क्योंकि इस बार सेना उनके सोच पर प्रहार कर रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।